हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह आप कैसे लगा सकते हैं और फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक आप कैसे सेट कर सकते हैं इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा पाएंगे और कैसे सेट कर सकते हैं इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि जो भी फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, जिसमें से आपके फ़ोन के जो भी आइकन शो हो रहे हैं इसमें ऑल आइकन्स में से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन में इन्फिनिक्स फ़ोन में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा पाएंगे, तो स्लाइड करते हुए जाना है आपको सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी पे चले जाना है। सिक्योरिटी पे जाकर फिर आपके पास ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही फिंगरप्रिंट सेटिंग्स आ जाएगी, जिसमें से पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालते ही आपके पास फिंगरप्रिंट सेटिंग्स आ गई है, जहाँ से कुछ इस तरीके से क्लिक करके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। सिंपली डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आप जैसे इस पर डिलीट कर देंगे तो फिंगरप्रिंट डिलीट भी कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। एंड आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अपने फ़ोन के सेंसर पर टैप कर देना है कुछ इस तरीके से। तो सेंसर पे टैप करते हैं तो फिंगरप्रिंट देख सकते हैं कि आपके फ़ोन पे लग जाएगा और सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन को ऑफ़ करते हैं तो आप स्क्रीन को ऑफ़ करके अपने फ़ोन में कुछ इस तरीके से फिंगर्स के जरिए स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं और स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो देखते हैं इस तरीके से अपने फ़ोन के फिंगरप्रिंट के जरिए फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो